रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन यखनी पुलाव। तो पहले हम अपने मटन की यखनी निकाल लेते हैं, तो उसको रेडी करते हैं। उसको हम एक पैन लेंगे, इसमें मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले हम 4 से 5 गिलास पानी डालेंगे जिसमें हमने अपने मटन को बॉईल करना है, जिसकी यखनी बनानी है। अब हम इसमें 1 kg मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करने के साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि यूं हैं। 1 प्याज ले लिया है, उसको मोटे मोटे काट लिया है, 4 हिस्से कर लिए हैं, और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको भी हमने स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी ऐड करेंगे, और 7 से 8 जवे लहसुन के वो ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और जो हमारे ड्राई मसाले हैं, अब हम इनको एक पोटली लेंगे, पोटली बनाएंगे और उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और ड्राई मसालों में क्या है, 2 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और 1 बादियान का फूल, 2 मोटी इलायची और 6 लौंगे। इसको हम पोटली में डाल के इसको हम गिरा लगा के इसके अंदर छोड़ देंगे ताकि हमारी यखनी अच्छे से रेडी हो जाए और मसालों का भी फ्लेवर इसमें आ जाए, ताकि हमें बाद में निकालने में आसानी रहे। अब इस पोटली को मैं पानी में ऐड करूँगी। पानी में ऐड करने के बाद इसको हम अब 1 से 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर बॉईल करेंगे। जब हमारा मटन बॉईल हो जाएगा और यखनी रेडी हो जाएगी, बाकी हम बाद में शुरू करेंगे कैसे करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मटन को 1 से 1.5 घंटा हो गया बॉईल होते हुए, तो ये माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। और अब हम इसकी ये जो पोटली है इसको बाहर निकाल देंगे और इसको ठंडे पानी में रख के इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और अपने गोश्त को अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। तो फिर हम दोबारा दूसरा काम शुरू करते हैं चावलों का। ये देखिए मैंने अपने मटन और यखनी को अलहदा अलहदा कर लिया, और अब हम चूल्हे पर पैन रखेंगे वापस उसी को। वापस हमने वही पैन रखेंगे और इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। मैंने उसी पैन में 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें अपने थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे जो कि यूं हैं। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा है, 3 से 4 काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे और 2 से 3 तेजपात और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इनको इसमें डाल के थोड़ा सा सौटे करूंगी। सौटे करने के साथ इसकी हल्की सी खुशबू आएगी। फिर हम इसमें अपनी प्याज, इसमें प्याज डालेंगे। हमारी ये हमारी खड़े मसाले सौटे हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 मीडियम साइज का प्याज डालूंगी जो कि मैंने ग्रीन स्लाइसेस में काट लिया, और इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। गोल्डन होने से बाकी मसाले इसमें दोबारा ऐड करेंगे। हमारी प्याज और खड़े मसालों के कलर चेंज हो गए हैं,
अच्छे से भून चुके हैं और अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। इसको अब हम हल्के हाथ से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट सोते किया है और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें डालेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें अपना जो मटन था बॉईल किया हुआ वो इसमें ऐड करेंगे। मटन को मिक्स करेंगे इसके अंदर। इसको हम तब तक ही भूनेंगे जब तक हमारे मसाले मटन के साथ लग नहीं जाते। हमारे मसालों के साथ ही मटन 1 से 2 मिनट भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही डाल के इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। साथ ही हम अपना 1 टमाटर ऐड करेंगे जो कि 1 टमाटर बड़ा मैंने बड़े साइज का लिया और इसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया। इसको जब तक ही पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। इस पॉइंट पे हम इसमें 1/2 चम्मच व्हाइट काली मिर्च डालेंगे या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। और साथ यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डालेंगे ये भी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला था इसीलिए हमने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें दोबारा डालेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर से सिर्फ ये होता है कि पुलाव का कलर चेंज हो जाता है और इससे कलर चेंज नहीं होगा। इसको ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो हमने इसकी यखनी पर बचाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। मटन पुलाव का मज़ा ही इसकी यखनी के साथ है। अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो मेरे पास 3 गिलास यखनी बची थी, 3 गिलास मेरे पास चावल है तो मैं इसमें 3 गिलास यखनी ऐड करूँगी और 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। हमारे पानी में बॉयल आ गया, अजान होना शुरू हो गई थी तो इसीलिए फिर मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। तो अजान हो गई अल्लाह का शुक्र है, तो अब मैंने दोबारा से वीडियो ऑन की है। तो इसमें मेरे पास 3 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास मेरे पास यखनी बची थी और 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया इसमें। अब इसमें बॉयल आ गया, अब इसमें चावल ऐड करूँगी। मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा कि कितने में आपके चावल गलेंगे। मेरे चावल तकरीबन 4 गिलास पानी में अच्छे से पक जाते हैं। अब जो ही इसमें बॉयल आएगा और इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। इस पॉइंट पे मैं इसको लो फ्लेम पे करके दम पे लगा दूंगी 10 से 15 मिनट।
10 से 15 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो गए हमारे दम को। हम चूल्हा करेंगे बंद और अपना दम खोल के देखेंगे। माशाल्लाह हमारा यखनी, मटन यखनी पुलाव इतना अच्छा तैयार हुआ है ना, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आई। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपने मटन यखनी पुलाव को डिश आउट कर लिया। ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का और यमी तैयार हुआ है। आप भी इसको ऐसे ही बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम से। यखनी